सो दोस्तों वेलकम बैक टू चैनल विजडम सी ए। और यहाँ पे आईसीआई की एक अनाउंसमेंट है 25 जनवरी 2019 25 जनवरी 2019 और ये है रिवाइज्ड प्रोसीजर फॉर प्रोवाइडिंग इंस्पेक्शन और सर्टिफाइड कॉपीज ऑफ इवेल्युएटेड आंसर बुक्स टू द कंसर्न एग्जामिनीज। तो चलिए देखते हैं अनाउंसमेंट को। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन प्रेस कर लीजिए। सो ये है वो अनाउंसमेंट और यहाँ पे कुछ गाइडलाइंस हैं। सबसे पहले गाइडलाइन नंबर 1 हम देखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर आपको इंस्पेक्शन करानी है या सर्टिफाइड कॉपीज करानी है तो आपको उसके लिए अप्लाई करना पड़ेगा 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ रिस्पेक्टिव रिजल्ट। मीन्स जैसे ही रिजल्ट आपका आ जाता है सो रिजल्ट आने के 30 दिन के अंदर अंदर आपको इसके लिए अप्लाई करना पड़ेगा। वेबसाइट यहाँ पे गिवन है, इस वेबसाइट पे जाकर के आप अप्लाई कर सकते हैं। फ़ी भी यहाँ पे आप ऑनलाइन पे कर सकते हैं, यहाँ पे कोई लेट फी का प्रोसीजर नहीं है। मीन्स 30 दिन के अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप 30 दिन के अंदर अप्लाई नहीं करते उसके बाद आपको चांस इसका नहीं दिया जाता। इसके बाद हम बात करें यहाँ पे पॉइंट नंबर 2, तो यहाँ पे जो फी है, यहाँ पे फी लिखा हुआ है 500 रुपीज़ पर पेपर फॉर फाइनल इंटरमीडिएट आईपीसी एटीई और यूनिट फाउंडेशन सीपीटी एंड पोस्ट क्वालिफिकेशन कोर्सेज। और यहाँ पे जो फी है नॉन रिफंडेबल है, मीन्स फी रिफंड नहीं की जाएगी। इसके बाद हम बात करें पॉइंट नंबर 3। सो यहाँ पे जो पॉइंट नंबर 3 है, पॉइंट नंबर 3 में यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर आप अप्लाई करते हैं सर्टिफाइड कॉपीज के लिए या इंस्पेक्शन के लिए तो यहाँ पे जो भी कॉपीज चेक होंगी, यहाँ पे जो कॉपीज चेक होंगी ये होगी सुओ मोटो रेगुलेशन 39-4। मीन्स अगर आप अप्लाई करते हैं तो आईसीआई की ओर से ही पहले इसको चेक कर लिया जाएगा। चेक किया किया जाएगा वेदर एनी क्वेश्चन और पार्ट देयर ऑफ हैज रिमेन्ड अनवैल्यूड। सो वो सारे क्वेश्चन और पार्ट ऑफ द क्वेश्चन जो कि अनवैल्यूड हैं। इसके बाद हम बात करें सेकेंड पॉइंट की, वेदर देयर इज एनी टोटलिंग एरर। तो अगर कोई टोटलिंग एरर है, इसके बाद हम बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, सो वेदर देयर इज एनी डिस्क्रिपेंसी बिटवीन द स्टेप वाइज मार्किंग टोटल मार्क्स फॉर ईच क्वेश्चन इंडिकेटेड ऑन द कवर पेज। तो अगर कोई यहाँ पे स्टेप मार्किंग में कोई डिस्क्रिपेंसी है तो वो चेक किए जाएंगे। लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है कि हाउएवर इट मे बी नोटेड दैट द रीवैल्यूएशन ऑफ आंसर इज नॉट परमिटेड अंडर रेगुलेशन 39-4 ऑफ सीए रेगुलेशन 1988। तो यहाँ पे अभी भी ये राइट रीवैल्यूएशन का आईसीआई ने प्रोवाइड नहीं करा हुआ है। हालांकि कुछ चेंजेस किए गए हैं लेकिन कंप्लीट तरीके से जो राइट है रिवॉल्यूशन का वो प्रोवाइड नहीं किया गया है। इसके बाद हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 4 की, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि कॉन्सिक्वेंट अपॉन सप्लाई ऑफ सर्टिफाइड कॉपीज और इंस्पेक्शन ऑफ इवेल्यूटेड आंसर बुक्स डिस्क्रिपेंसी इफ एनी। अगर आपको कोई डिस्क्रिपेंसी लगती है, अगर आपके पास कॉपीज आपकी पहुंच जाती है सर्टिफाइड कॉपीज और अगर आपको वहां पे कोई डिस्क्रिपेंसी लगती है, सो विद इन द स्कोप ऑफ वेरिफिकेशन एज इनविसेज्ड इन रेगुलेशन 39-4 ऑफ सीए रेगुलेशन 1988 इज नोटिस्ड बाय द एग्जामिनी शैल हैव द ऑप्शन टू ब्रिंग इट टू द नोटिस ऑफ द ऑफिस। तो यहां पे अगर आपको किसी भी टाइप की डिस्क्रिपेंसी लगती है सर्टिफाइड कॉपीज मिलने के बाद तो 1 महीने का आपको टाइम दिया जाएगा। 1 महीने के अंदर में आईसीआई को आपको इन्फॉर्म करना होगा, आईसीआई को इसके बारे में आपको बताना पड़ेगा। यहाँ पे पॉइंट नंबर 5 है कि अगर आप इंस्पेक्शन के लिए अप्लाई करते हैं तो जो कॉपीज है 30 डेज के अंदर में आपको प्रोवाइड कर दी जाएंगी जैसे आपका एप्लीकेशन रिसीव हो जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 6 की, तो जो सीपीटी है, सीपीटी एंड फाउंडेशन का पेपर नंबर 3 एंड 4, इनके लिए केवल ओएमआर शीट की फोटोकॉपी प्रोवाइड की जाएगी। रिलेवेंट क्वेश्चन पेपर एंड जो आंसर की है वो प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। देन हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है पॉइंट नंबर 7। पॉइंट नंबर 7 लिखा हुआ है कि इंस्पेक्शन और सर्टिफाइड कॉपीज ऑफ इवेल्यूटेड आंसर बुक्स ऑफ एग्जामिनी वुड बी प्रोवाइडेड टू द कंसर्न एग्जामिनी ओनली। तो अगर आपने अप्लाई करा हुआ है तो केवल आप ही को प्रोवाइड किया जाएगा, अगर आप एग्जामिनी हैं तो किसी दूसरे पर्सन को प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। लेकिन आपके पास ये राइट रहेगा कि आप किसी को, मीन्स अपने टीचर्स को या अपने पेरेंट्स को दिखा पाएं। ऑलरेडी आईसीए ने उसके लिए क्लैरिफिकेशन दे रखी है। इसके बाद जो इसका प्रोसीजर है, सो प्रोसीजर ओल्ड प्रोसीजर ही है। मीन जैसे पहला प्रोसीजर था उसको अप्लाई करने के लिए वैसे ही प्रोसीजर है। कुछ चीज़ें हैं जैसे कि हम यहाँ पे बात करें पॉइंट नंबर 13, तो यहाँ पे पॉइंट नंबर 13 में लिखा हुआ है कि यहाँ पे जो इवेल्यूटेड आंसर बुक्स में लेंगी, चाहे फाइनल की हो चाहे इंटरमीडिएट की हो या फाउंडेशन की, विल बी होस्टेड ऑन आईसीए वेबसाइट। उसके लिए आपको एक यूआरएल लिंक प्रोवाइड किया जाएगा, एक यूजर आईडी एंड एक पासवर्ड प्रोवाइड किया जाएगा, जो कि इन्फॉर्मेशन पहुंचेगी आपके ईमेल पे। मीन्स ये सारी की सारी चीज़ें आपके ईमेल पे प्रोवाइड की जाएंगी। पॉइंट नंबर 14 लिखा हुआ है कि जो आपको डिटेल्स प्रोवाइड की जाएंगी, मीन्स जो यूजर आईडी है एंड जो पासवर्ड है, 10 डेज के लिए वैलिड रहेगा। मीन्स 11वें दिन से आप उसको ओपन नहीं कर पाएंगे। सो केवल 10 दिन का टाइम है, 10 दिन के अंदर में जो भी आपको चेक करना है उसको आपको चेक करना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 15 है कि किसी भी रीजन से अगर किसी का रिजल्ट विथहेल्ड है और कैंसिल्ड है और हैव नॉट बिन डिक्लेयर्ड फॉर एनी रीजन, तो उनके लिए जो एक्सेस है वो प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। मीन्स उनके लिए सर्टिफाइड कॉपीज प्रोवाइड नहीं की जाएगी। इसके बाद यहाँ पे कुछ ईमेल आईडीज़ हैं, अगर आपको कोई क्वेरी है सो यू कैन ईमेल हियर। और यहाँ पे कुछ हेल्प डेस्क नंबर हैं सीपीटी फाउंडेशन इंटरमीडिएट फाइनल एंड पोस्ट क्वालिफिकेशन कोर्सेज के लिए, तो ये कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं, यहाँ पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। फिलहाल मेरी वीडियो यहीं तक की है,
वीडियो को लाइक करना भूलिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन प्रेस कर लीजिए। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।